நவக்கிரகம் ஒன்பதில் சூரியன் துலாத்தில் என்றும் நீச்சமாயாகிவிடும். ராகு கேது என்ற பாவர்கள் சேர்ந்தால் தானே சோர்ந்துவிடும். ராசி நவாம்சம் எதுவாயினுமே ஆறெட்டு பன்னிரண்டாம் இடத்தில் சூரியன் இருக்க ஜாதகர் வாழ்வில் சொல்லொணா துன்பம் தேடி வரும். தந்தையின் உடல் நலம் கெடுவதுடன் அவர் ஆயுட்காலவும் முடிவதும் தாம். தான் பணி செய்யும் இடங்களில் கூட தடைகள் பலவிதம் வருவதும் தாம். நொந்து மனம் நோக உயரதிகாரிகள் நோகடிப்பதும் நடப்பதும் தாம். சிந்தனை உயர்ந்து ஆன்மீக நெறியில் செல்லாது மனம் தவிப்பதும் தாம். இதய நோய்களுடன் கண் நோய் வருவது சூரியன் கண் பலம் இழப்பதனால். இது தவிர உடல் ஆரோக்கியம் கெடும் சூரியனார் கண் வலுவிழந்தார். உதயத்தில் எழுந்து ஸ்ரீ சூரியனார் திருக்கோயில் செல்ல உயர்வு தரும். உள்ளன்போடு சாந்திகள் செய்து சூரியன் அருள் பெற உலகம் தொழும். ஞாயிற்றுக்கிழமை கோள்வினை தீர்த்த கணபதியை நீ வணங்கியழு. அன்னை விசாலாட்சி விஸ்வநாதர் என்ற கோலத்தை கண்டு கைகள் தொழு. உஷாதேவி ஒரு புறம் சாயாதேவி மறுபுறம் உடனாம் சூரியன் தரிசனம் பார். உள்ளன்போடு உருகி வழிபடு உடனே பலன் வரும் வழியிலே பார். பெருகும் காரியம் கை கூடும் கதிரோனை துழு காலில் விழு. கோதுமை தாமிரம் சிவப்பு வஸ்திரமுடன் செந்தாமரை தா வணங்கியழு. எண்ணி உண்பது தீபங்கள் ஏற்றி பலமிடமாய் சுற்றி வர வேண்டும். எல்லா நலமும் வளமும் சேர சூரியனை போற்றி தொழ வேண்டும். பரிகாரங்கள் செய்ததும் சூரியன் பலம் பெறுவும். தந்தை உடல் நலம் தன் பணிகளுமே தடையின்றி வாழ்வில் முன்னேறும். காரிய தடை நீங்கும் கண்ணில் ஒளி சேரும் இதயமும் உறுதி பெறுவதுண்டாம். கலியிலும் ஆன்மீக சிந்தனை வளர்ந்து கவலை எல்லாம் அழிவருந்தாம். செய்திடும் சாந்திகள் உடனே துயரங்கள் தடுத்திடுமா. யோகித துன்பம் யமபயமாய் ஏதும் வராது காத்திடுமா. எல்லா நலங்களும் வளங்களும் பெருகும் எப்பொழுதும் ஜெயம் சேர்ந்திடுமா. பாஸ்கராய வித்மஹே மஹாதேஜாய தீமஹி தன்னோ சூர்யஃ பிரசோதயாத்.
भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। अध सूर्यकवचः ॐ अस्य श्री सूर्यकवच महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान् ऋषिः अनुष्ठुप छन्दः सूर्यो देवता श्रीं बीजं नीम शक्तिः सोम कीलकं मम सूर्य प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानं जपाकुसुम संकाशं द्विभुजं पद्महस्तकं सिन्धूराम्बरमाल्यञ्च रक्तगन्धानुलेपनौ माणिक्यरत्नखचित सर्वाभरणभूषितौ सप्तास्वरधवाहञ्च मेरुं यान्तं प्रदक्षिणं देवासुरवरैर्वन्द्यं रश्मिभिः परिवेष्टितौ सूर्यं ध्यात्वा सुवर्णाभं पटेत् च कवचं मुदा गुरुणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः पातु ललाटकौ आदित्योलोचने पातु श्रुतिः पातु दिवाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः मुखं पातु सदा रविः जिह्वां पातु जगन्नेत्रः कटिं पातु विभावसुः स्कन्दो गृह्मधि पातु भुजो पातु प्रभाकरः करावब्जः करः पातु हृदयं पातु भानुमान्
मध्यं पातु सुसप्तास्व नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सक्थिनी ऊरु पातु स्वरश्रेष्ठः जनुने पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्ताण्डो गुल्फौ पातु त्विषाम्पतिः पादौ दिनमणिः पातु पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्यं वज्रसन्निभौ यो धारयति पुण्यात्मा भक्तिमान् स तु मानवः सर्वलोकमयादित्यो मुच्यते नात्र संशयः संवत्सरमुपासित्वा साम्राज्यपदवीं लभेत् अनेकरत्नसंयुक्तं स्वर्णमाणिक्यभूषणौ कल्पवृक्षसमाकीर्णौ कदम्बकुसुमप्रभौ अशेषरोगशान्त्यर्थं सूर्यं ध्यायेत्तु मण्डले सिन्दूरवर्णाय तु मण्डलाय सुवर्णरत्नाभरणाय तुभ्यं पद्माभिनेत्राय सुपङ्कजाय ब्रह्मेन्द्रनारायणशङ्कराय संरक्तचूर्ण सुवर्णतोयं सकुङ्कुमासं सकुशं सपुष्पं प्रदत्तमादाय च हेमपात्रे सहस्रभानो भगवान् प्रसीद ॐ इति सूर्यकवचम्। अथ सूर्यास्तकौ आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते सप्तास्वरधमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजौ श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहौ लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहौ महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहौ त्रैलोक्यगुण्यं च महासूरं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरौ महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहौ बृंहितं तेजसां पुञ्जं वायुराकाशमेव च प्रियञ्च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहौ बन्धूकपुष्पसङ्काशं हरकुण्डलभूषितौ एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहौ तं सूर्यं लोककर्तारं महातेजः प्रदीपनौ महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहौ तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानप्राकाश्यमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहौ सूर्याष्टकं पठेन्नित्यं ग्रहपीडाप्रणाशनो अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान् भवेत् अमिषं मधुपानं च यः करोति रविर्दिने सप्तजन्म भवेद्रोगी जन्म जन्म दरिद्रता स्त्रीतैलमधुमांसानि एत्यदन्ति रविर्दिने न व्याधिशोकदारिद्र्यं सूर्यलोकं च गच्छति।